हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैंने ऑनलाइन कुछ सीट्स मंगाए हैं, तो उनके बारे में आपको दिखाऊंगा और साथ में इन सीट्स का मैंने प्लांटेशन में किया है, तो आप उसके चैनल के और भी वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में जब भी वो लोग बीज से पौधा उगाते हैं, तो उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में रखिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो पहला जो ऑर्डर किया है वो है ये 40 सीड्स का पैक है, आप देखेंगे इंडियन फ्लावर सीड्स बैंक, तो 40 वैराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं फूलों की, आप देखेंगे आइस फ्लावर, डायनाथस, सनफ्लावर टॉल, फोलोक्स मिक्स, तो ये सारे हैं। करीब 40 फ्लावर्स के सीड्स हैं जो कि इस पैक छोटे से पैक में आए हैं। और साथ में इसमें लिखा हुआ है कि कॉशन कि इसको स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, तो हमको थोड़ी ठंडी जगह पर रखना है क्योंकि ये बीजेज हैं और एक टाइम के बाद ख़राब भी हो सकते हैं। तो पैकेजिंग के टाइम उन्होंने दे रखी है और वैलिड 9 मंथ्स, 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो आप ये सब देख के ख़रीद सकते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें बीज किस तरह के हैं। तो करीब ये 40 इन्होंने ऐसे सीड्स दे रखे हैं, तो आप देख रहे होंगे कुछ में बहुत छोटे छोटे, कुछ बहुत में बहुत छोटे सीड्स हैं, और कुछ जो हैं जो कि आप देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा सीड है जो कि सनफ्लावर का है, सनफ्लावर टॉल आप देख रहे होंगे, दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें कई सारे थे, मैंने इसको जर्मिनेट कर दिया, एक रख लिया था कि ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो चैनल के वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे इनको उगाना है। तो ये सनफ्लावर का बीज हो गया, और ये जो है ये कोचिया, ये उसके बीजेस हैं, तो ये स्टार फिश की तरह हैं। अगर दिखाता हूँ ये कोचिया, ये स्टार फिश की तरह लग रहा है, छोटा छोटा सा। तो इसको भी प्लांटेशन किया है मैंने, देखते हैं। तो अभी ये देखते हैं क्या है, ये पॉपी आइसलैंड है, इसके भी आप बीज देख रहे होंगे बहुत छोटे हैं, छोटे बहुत छोटे छोटे। इसको भी इधर रख देता हूँ। नेक्स्ट है वेरबेना, ये भी फ्लावर का ही है, तो आप देख रहे होंगे और इसके साथ में एक बुक भी मिली है, तो आप देख रहे होंगे ये फ्लावर सीजन टेबल। तो इस टेबल में लिखा हुआ है फ्लावर फ्लावरिंग शोइंग सीज़न टेबल, तो किस सीज़न में लगाना है। तो कुछ प्लांट तो समर के हैं और कुछ विंटर के हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 20 20 आई थिंक है इसमें, और साथ में नोट भी दिया हुआ है अगर समर सीज़न कब लगाना है, विंटर में कब लगाना है। तो एंड नीचे लिखा है एक्चुअल सीजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज सोइंग्स टाइम, तो इस टाइम पे जो भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये बीज जर्मिनेट होंगे। तो समर के लिए देखिए लिखा है कि जनवरी लास्ट वीक टू मार्च फर्स्ट वीक, तो जितने प्लांट समर के टेबल में लिखे हुए हैं ये, तो इनको आपको जनवरी से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक में लगाना है, और विंटर सीजन के जो प्लांट है वो अक्टूबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक तक लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इस करें अगर आप पूरा रिजल्ट चाहते हैं। मैं तो इन्हें जून में लगाया है, देखता हूँ क्या हुआ, कितने निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या, और भी सारे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कैसे आपको सॉइल प्रिपेयर करनी है, कैसे आपको सीड सोइंग करनी है, कैसे आपको इसको ट्रांसप्लांट करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं और बीज, ये देखिए एलाइसम, इसके भी बीज हैं। क्लादिका, सेलोम्स स्पिनोसा, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल के पेड़ आप देखेंगे, अगर देखेंगे तो बीज बहुत प्यारे प्यारे हैं।
ये पॉपी रेड, ये आइस फ्लावर, ये कैंडी डफ्ट, ये डहेलिया टॉप स्टार, इसके बीज देखिए काफ़ी बड़े हैं। सब तरह के बीज मिलेंगे इसके। देखिए आइस फ्लावर के बीज कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे आइस फ्लावर के बीज हैं। तो इस तरह के करीब 40 बीज आपको मिलेंगे। अभी ये थोड़े हैं क्योंकि मैंने बाकी हटा दिए, बाकी मैंने प्लांट कर दिए हैं। तो इस तरह के बीज मिलेंगे और पूरी लिस्ट जो है वो ये है, क्योंकि तो आपको दिखा देता हूँ तो आप इसमें से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक सीड्स और मैंने मंगाए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है उगाना, ये है कमल के बीज। तो कमल के बीज बीज देखने में आप कितने ये बड़े हैं साइज में। इनको उगाने की विधि भी वीडियो मैंने डाल दिया है। और अब ये अच्छे से मेरे प्लांट भी हो चुके हैं, पत्ते भी आ चुके हैं इसमें कमल के बीज में। इसको उगाने की काफ़ी लगी टेक्निक है और कुछ दिन का वेट करना पड़ता है आपको। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो में देख सकते हैं कि कमल का बीज कैसे लगाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू ऑल। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं ये, जब निकलेंगे तो उस तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।